आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही काम की और मज़ेदार चीज़, चोको चिप्स। चोको चिप्स हम कैसे अपने घर में ही आसानी से बना सकते हैं और बिल्कुल कम पैसों में। बाहर अगर हम चोको चिप्स लेने जाएं तो हमें ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं, लेकिन घर पर ही हम ढेर सारे चोको चिप्स आसानी से बना सकते हैं। इसे हम आइसक्रीम में, डेजर्ट में, या मफिन्स में, या केक में हम इसको यूज़ कर सकते हैं और इसको बनाना इतना आसान है कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी, सोनी फूड स्टाइल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। चोको चिप्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ चॉकलेट मिल्क कंपाउंड लिया है। आपके पास अगर डार्क कंपाउंड है तो आप वो भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने एक बर्तन में पानी लिया है जिसमें उबाल आ गया अच्छे से। अब हम जिसमें चॉकलेट हमें मेल्ट करनी है वो बर्तन रख लेते हैं। अगर आपके पास कांच का बाउल है तो आप वो ले सकते हैं, अगर स्टील का है तो आप वो ले सकते हैं। स्टील का हर घर में आसानी से मिल जाएगा, इसलिए मैंने स्टील का लिया है। तो चलिए चॉकलेट को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। पानी में बहुत ज़्यादा हीट होता है तो बहुत ही जल्दी आसानी से ये मेल्ट हो जाएगी। गैस की फ्लेम को हमें लो ही रखना है, या आप अगर पानी में उबाल आ गया तो आप इसे बंद भी कर सकते हैं। ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगी। अगर ज़्यादा हीट हो गई तो ये इसमें छोटे छोटे दाने बन जाएंगे और चॉकलेट हमारी स्मूथ नहीं बनेगी। लेकिन चोको चिप्स बनाने के लिए हमें स्मूथ चॉकलेट चाहिए, इसलिए हमें गैस को बंद कर देना है। यहाँ मैंने एक प्लेट ली है और फॉइल पेपर लिया है। आप फॉइल पेपर ले सकते हैं, या बटर पेपर है आपके पास तो आप बटर पेपर ले लीजिए, या आप कोई भी प्लास्टिक शीट ले सकते हैं। इसे अच्छे से हम सेट कर लेंगे। देखिए चॉकलेट हमारी बहुत ही अच्छी मेल्ट हुई है और बिल्कुल स्मूथ बनी है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए ठंडा कर लेंगे, जिससे ड्रॉपलेट अगर हम बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। यहाँ मैंने एक कोन ली है, ये मैंने घर पे ही बनाई है। आप आसानी से कोन घर पे बना सकते हैं। आप कोई भी पैकेट ले लीजिए, उसमें आप चॉकलेट डाल सकते हैं, या आप जो मिल्क का, जो दूध का पैकेट आता है वो भी आप ले सकते हैं। तो चलिए हम चॉकलेट इसमें डाल लेंगे। अगर आपको लगे कि चॉकलेट बहुत ही ज़्यादा पतली है तो थोड़ी देर के लिए आप और रख सकते हैं, या 1 मिनट के लिए आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। देखिए कोन मैंने तैयार कर ली है, बिल्कुल मेहंदी की कोन होती है ऐसे हमें तैयार करनी है। इसमें रबड़ बैंड लगा दिया है। अब कैंची से थोड़ा सा हम इसमें कट लगा लेंगे, बिल्कुल छोटा सा कट लगाना है, ज़्यादा बड़ा नहीं। चलिए कट लगा लिया है, अब बना लेते हैं। चोको चिप्स बहुत ही आसानी से बन जाएंगे और इसमें बहुत मज़ा भी आने वाला है। बना लेते हैं, आप ऐसे ड्रॉपलेट डालते जाइए और इसको ऊपर की तरफ उठाते जाइए ऐसे। बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। अगर ज़्यादा पतली लग रही है आपको चॉकलेट तो थोड़ी देर के लिए इसको और ठंडा कर लीजिए, गर्म में हमें बिल्कुल नहीं बनाना है। ऐसे ही बना लेंगे। देखिए सारे चोको चिप्स मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं और बहुत सारे, ढेर सारे हमारे चोको चिप्स तैयार होंगे। इसको हम 10 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे, या आप इसे बाहर भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि चॉकलेट जैसे ही ठंडी होगी अपने आप जमना स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए इसे हम रख लेते हैं फ्रिज में थोड़ी देर के लिए। देखिए चोको चिप्स हमारे बनकर तैयार हैं और आसानी से ये निकल भी रहे हैं। फॉइल पेपर लगाने का यही फ़ायदा है, ये आसानी से निकल जाएंगे, जब भी सेट होंगे तो ये बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे। तो चलिए इन्हें हम निकाल लेते हैं। ये देखिए चोको चिप्स हमने तैयार कर लिए हैं और ढेर सारे हमारे चोको चिप्स बने हैं सिर्फ 200 ग्राम चॉकलेट से। मैंने यहाँ चॉकलेट मिल्क कंपाउंड लिया था, आप डार्क कंपाउंड भी ले सकते हैं, उससे भी ऐसे ही बन जाएंगी, या आप वाइट चॉकलेट कंपाउंड भी ले सकते हैं।
इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आसानी से आप घर पर बना सकते हैं और इसे डेजर्ट में, मफिन्स में या फिर केक में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।